पहले की बात है। एक दिन गैब्रियल नाम का फरिश्ता एक जवान जुइश औरत के सामने आया, जिसका नाम था मेरी। एक कानल हटो ना सामने से, इधर मैं सचानक आई हूँ, इसी परेशानी जैसा आप कह रहे हैं तो कैसे होगा? मैं अभी मुझे ईश्वर पर भरोसा है और मैं ईश्वर की सीरत हूँ, उसी की रचना हूँ, तो जैसा आपने कहा वैसे ही होगा। मेरे और उसका होने वाला पति जोसेफ नैजरेथ नाम के शहर में रहते थे। वो बैतलहम शहर की ओर गए सेंसस में अपना नाम लिखाने के लिए, जैसे कि रोमन शहंशाह सीजर अगस्तस ने हुक्म दिया था। नैजरेथ से बैतलहम की दूरी 65 मील की थी, इसलिए उन्हें कई दिनों तक सफर करना पड़ा। जोसेफ और मैरी बैतलहम पहुंच गए। मैरी, लौटने तक तुम यहीं ठहरो, चाहो तो थोड़ा आराम कर लो। मैं आज रात यहाँ ठहरने का बंदोबस्त करता हूँ। जोसेफ रहने के लिए जगह खोज रहा था, लेकिन सारी जगह पहले से ही भरी हुई थी। तो मुझे कोई जगह नहीं मिली है। उन्होंने अपनी रात एक अस्तबल में निकाली, एक ऐसी जगह जहाँ जानवरों को रखते हैं। सिर्फ यही एक जगह है जो रात गुजारने को मिली है। रुको, मैं जाकर ताजा घास फूस लेकर आता हूँ, ताकि तुम उस पर आराम से सो सको। उस रात जीसस ने जन्म लिया। उनके पास पालना नहीं था, इसलिए उन्होंने बच्चे को मेंजर में सुलाया, जिसमें जानवर को खाना दिया जाता है। उस मेंजर में ताजी घास रखी गई ताकि बच्चा उसमें आराम से सो पाए। बैतलहम के पास खेतों में कुछ गडेरिए थे, जो वहाँ भेड़ियों के एक झुंड की रखवाली कर रहे थे। एक फरिश्ता उनके सामने आया। मेरे पास आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ये ईश्वर के अवतार ने जन्म लिया है। क्या एक अवतार? क्या हम उसे देख सकते हैं? बताओ हमें कि वो कहाँ है। कम उस
उसे मेंजर पर लेटा हुआ पाओगी। तो फिर चलो उस अवतार से मिलकर आते हैं। ईश्वर के अवतार को देखने आए हैं। मेरे बच्चे के बारे में आपको कैसे खबर मिली? जब हम अपने खेतों में काम कर रहे थे, एक फरिश्ता हमारे सामने प्रकट हुआ और उन्होंने हमें इस अवतार के जन्म के बारे में बताया। हाँ, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस अवतार की माँ हूँ। जीसस से मिलने के बाद उन्होंने खबर हर तरफ फैला दी और जिन्होंने भी ये खबर सुनी वो चौंक गए। कुछ वक्त बीतने के बाद पूर्वी देश के तीन सज्जन आदमियों को आसमान में एक तारा दिखा। ए, तुमने देखा वो तारा जो सबसे ज्यादा जगमगा रहा है? ये तो दिखने में बहुत ही अलग लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें शायद कोई संदेश देना चाह रहा है। उन तीनों ने तारे का पीछा जारी रखा। वो तारा सीधा अस्तबल के ऊपर पहुंच गया और गायब हो गया। वो तीन सज्जन अस्तबल के अंदर चले गए। ये हमारे नए राजा हैं। उन्होंने बच्चे के आगे सर झुकाया।